मॉर्निंग ऑल, जय श्री राम, हर महादेव। करते हैं नए दिन नए ब्लॉग की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो भाई जिम खोल दिया। हाँ जी, पहले फ्लैट रोड से स्टार्ट करो, पहले खाली रोड से मारो 20 से 25 रैप, उसके बाद उसमें 2.5 की प्लेट लगाओ, ठीक है। चलो जी, बंदो आना चालू हो गए हैं। आज नितिन भैया आए नहीं जिम, जिम अपन ने ही खोली है, वैसे तो भैया खोल देते हैं बट आज अपन ने खोली है। 4 बजे आ गया था जिम पर, खोल दी बढ़िया तरीके से, हवा चल रही है ठंडी, मस्त मज़ा आ रहा है। बस आज धूप कम निकले तो ज़्यादा बेटर है, बट लग नहीं रहा धूप निकलेगी। पर हाँ ये है कि मौसम में थोड़ी सी ठंडा ठंडा है, मतलब हवा ठंडी ठंडी है मौसम में। दिखाऊँ वेदर, दिख रहा होगा वैसे तो वेदर नहीं, देखो सूर्यदेव निकलने वाले हैं यहाँ से, इस जगह से। तो बताओ यार, व्लॉग्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अब तो ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया लाने की, तो धीरे धीरे ही हो पाएगा, क्योंकि यार नींद नहीं हो पा रही, नींद लेने जाता हूँ तो व्लॉग नहीं बन पा रहा। बट सारी चीज़ें मैनेज करने का ट्राई कर रहा हूँ, और यही ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आए तो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए भी। मेरा भी मन नहीं करता अगर जैसे कॉन्टेंट नहीं होता है और मैं फालतू में व्लॉग शूट करता रहा, वो भी इसलिए, इससे बेटर है मैं 2 या 3 मिनट का व्लॉग डाल दूँ, वो ज़्यादा सही है ना किसी का पागल बनाते हुए। जय श्री राम। तो कल हमने करी थी शोल्डर, आज हम भी, आज अपने वर्कआउट की वीडियो डालता हूँ, आज मैं करूँगा बाइसेप्स, तो आज बाइसेप्स की वीडियो डालूँगा बना के। शोल्डर करी थी, बढ़िया पंप हुए थे कल, मज़ा आ गया था वर्कआउट करने में। अकेले करता हूँ मैं मोस्टली वर्कआउट, तो कल भी अकेला ही किया था। कभी कभी हनी और हनी का एक दोस्त है कमल, उसके साथ कर लेता हूँ, बट मैं कल थोड़ा सा लेट हो गया था वर्कआउट करने के लिए, मतलब तो उन दोनों ने अकेले ने मार ली थी, मैंने उसके बाद वर्कआउट किया था। तो आज देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो साथ में वर्कआउट कर लेंगे, वरना मैं अकेला कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी अंदर चलते हैं, थोड़ा सा अंदर जिम से बाहर मैं बता ही चुका क्यों आ जाता हूँ मैं, क्योंकि गाने चलते रहते हैं तो यार कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए इस चक्कर में। तो चलो अब अंदर चलते हैं वापस। टाइम हो गया है 12:30, साफ़ सफाई कर दी, आज पापा नहीं आए तो आज अकेले करनी पड़ी, खस्ता हो गई कंडीशन भाई। पहले झाड़ू लगाया पूरे में, पहले ब्लैक वाले मैट पे झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, फिर सारी मशीनें साफ़ करी, अब जा रहा हूँ घर के लिए, मतलब घर क्या गाँव जाऊँगा। मोटो व्लॉगिंग करें क्या आज फिर से? देखते हैं, अभी मैंने देखा नहीं है कमेंट वगैरह क्या है व्लॉग पे, क्योंकि 10 बजे तो अपलोड ही हुआ था, 12 बजे में सब 12:30, तो बैठ के आराम से देखूँगा किसी ने कमेंट कराया नहीं कराया, अगर अच्छा लगे होगा तो कंटिन्यू करूँगा, और नहीं लगेगा लोगों को अच्छा तो भी कंटिन्यू करूँगा अगर मेरा मन करेगा तो। लोल ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के ऊपर है सब कुछ, अच्छा लगे तो बता दिया करो और ना अच्छा लगा करे तो भी बता दिया करो, चाहे वो 30 बंदे देख रहे हो या 10 देख रहे हो या 5 देख रहे हो या 2 देख रहे हो, बता दिया करो कुछ तो, कमेंट कर दिया करो एटलीस्ट कि हाँ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कुछ अलग लाओ या कुछ ये लाओ, कुछ टारगेट दो, ये करो वो करो, कुछ तो बताओ यार। लो जी हमारे पंडित जी भी आ लिए घर, गए थे गाँव, देखो कुर्ते पजामे में, पूरी देसी लुक, हाथ में डंडा, मुझ में भी पड़ सकता है अभी भी अगर मैं छेड़ दूंगा तो। मेरी आदत है ना छेड़ने की। बड़ा टाइम लगा दिया हाँ? टाइम कहाँ लगा दिया इतना? वैसे आ रहा हूँ बैठ तो। अच्छा चलो जी, चले फिर हम अपना, और क्या गाँव चलता हूँ सीधा। ओके जी, बुलेट ठाके चल दिए फिर से मोटो ब्लॉगिंग करते हुए। ये भाई का गराज, ठीक है भाई, यहाँ पे एक दिन लड़ाई हो गई थी भाई भयंकर वाली, ब्लिंकिट वालों के बीच में और इन लोगों के बीच में, और ये बाइक वाला गाड़ी वाला दूर उड़ाता हुआ जा रहा, मुझे इधर ही मुड़ना। और गाँव गाड़ी वालों में इतनी ऐट क्यों आ जाती है एकदम से भाई, गाड़ी तो मेरे पास भी, हम तो नहीं चला देते इतनी तेज गाड़ियाँ, पता नहीं क्या समझते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अब तो आदत पड़ गई अपने को, धूल मिट्टी धूप कुछ भी हो। रुक जा शाम को पानी दे के जाना अब। हाँ कर ले स्वैग मंत्री, अभी जाएगा जिम पे, मिलेगा ही ना कोई, भागता हुआ तो जा रहा है, वापस फ़ोन करेगा मुझे जब बोल रहा हूँ शाम को पानी दे देना, अभी जब तक ऐसा बैठ के, अभी तक इतनी देर से जब से तो आया नहीं,
अब पानी लेके जा रहा है जिम के पास। मैं जिम के पास क्या, जिम में इसका एक घंटे डेढ़ घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। फ़ोन करो तो उठाता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हॉस्पिटल है भाई, ठीक है हॉस्पिटल है, मतलब कोई टट्टी उट्टी नहीं आ रही हो किसी को तो दिखा लेना। वैसे यहाँ से भी अपने क्लाइंट आते हैं, काशवी हॉस्पिटल से भी दो तीन बंदे आते हैं, तीन बंदे आते हैं। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है। ओ मोले, मेरा डेली का ये रास्ता हो गया। पहले मैं इस रास्ते से आता नहीं था, अवॉइड करता था क्योंकि आदत नहीं बनी हुई थी, और अब मैंने ये रास्ता पकड़ लिया रेगुलर बेसिस पे। सही है, मुँह में देखो कैसे कपड़ा घुसा हुआ, पूरा मुँह में डाला हुआ है। चलो जी राम राम जी, सबसे राम राम भी होती रहे मेरी। चलो बढ़िया, राम रहीम बनते रहे, रहीम नहीं राम राम होती रहे, अच्छा है, बढ़िया चीज़ है, समझ रहे हो ना, गलत थोड़ी है कुछ इसमें। ओह माय गॉड, राम राम जी, अपना तो ऐसी है जी, राम राम चल करते चलो और अच्छी बातें करते चलो। कहाँ बोल रहा हूँ पता नहीं यार, ये कट इतने आ रहे हैं गाँव में एक तो। ओ, सामने टेम्पू, रुक जा भी, रुकना पड़ेगा व्लॉग। हाँ जी बीच में आ गया था टेम्पू, इसलिए व्लॉग रोकना पड़ गया क्योंकि ये बुलेट है, स्प्लेंडर तो है नहीं, ऐसे ऐसे करके ले के निकल जाएगी, वरना हम तो निकाल दें। ये गली देखो मस्त लगती है भाई, सब सुरंग सी जा रही हो, पर थोड़ी देर में हम जमीन में घुस जाएंगे और डुबकी मार के बाहर आ जाएंगे, ठीक है भाई। लोल, ये मंदिर आ गया हमारे गाँव का जो मैंने कल भी दिखाया था, शिव मंदिर। अब तो ऐसे ऐसे चलेगा भाई, व्लॉग रुक रुक के चलेंगे, मतलब वो तो मैं एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा किसी को समझ में आ रहा है भाई। सही करूँ गाइज, गाइज बता दिया करो, कोई गलती हुआ करे ना मुझसे शेयर कर लिया करो, मैं ठीक कर दूंगा उसे। नौटंकी करते कराते मैं मोटो व्लॉगिंग वाली, पहुँच गया घर तक, बुलेट कर दी घेर में, कर दी खड़ी कह रहा हूँ मैं, मतलब बुलेट खड़ी कर दी घेर में, और अब घर आ गया चाची के जा रहा हूँ। देख लो, देखे ना खाने वाले में क्या बनाया चाची ने, पहले तो मैं नहाऊंगा, पूरा पसीने पसीने हो गया। ए कहाँ गए सारे, चाची राम राम। ए कैसे तोड़ दी तस्वीर, जा रही हो कहीं? खाना खा लिया, चाची गई थी बाजार सामान वगैरह लेने, तो हमारे लिए पहलवान जी लेकर आए। क्या लेकर आए पहलवान जी? छोले भटूरे और कोल्ड ड्रिंक खा के मस्त नशा हो रहा है, सोऊंगा, एसी चल रहा है बढ़िया एकदम ठंडा कूलिंग है। भैया जी सोएगा मेरे साथ तू? ना बेचारा भी तो उठा थोड़ी देर पहले है, 12 बजे में जिम पड़ाका, 12 बजे सो कर उठ रहा है ना, मैं पूरी रात नहीं सोया। तू देखो, देखो चोट लगवा के आ गया इसलिए नहीं सोया है ना, ऐसी इसकी हरकतें हैं। क्यों ऐसा तो मैं ना गेरा? अरे मेरी मैया, अबे पाप लगेगा पाप, भगवान इस गलती की, इस झूठ की सजा भी ना दे, वो भी ना दे मैं माफी भी। तुमने ना गेरा ना, देख यहाँ सरिया डालेंगे भगवान, यहाँ जैसे तंदूरी में उसमें पनीर में ना डाल देते हैं। खाओ माँ कसम, माँ कसम, खाओ माँ कसम, माँ कसम, बता मैंने गिरा तू साले, बदनाम कर रहा है भागते हुए खुद दुकान के सामने लुढ़क गया जाके, और एक आदमी और लेके गिर गया ठेले वाले, उसे भी रगड़ दिया ना, उसे घेर रहा मैं, वो कह रहा कुछ दिन लड़ा मैंने किया गया। हाँ उसे वो तुझे रगड़ के चला गया ना, मैंने उसे घेर दिया वहां के ऊपर, मैं और गिर गया। उसका लगी ना लगी, उसके भी लगी मेरे भी लगी, दोनों के दोनों मेंटल। चलो भाई हम सोते हैं, उठेंगे सीधा 4 बजे। तो वापस से टाइम हो गया जिम पर जाने के लिए, और सो भी लिया हूँ, और पहलवान जी नहा के आए हैं तो मैं सोच रहा हूँ गेट लगा दिया, नहा के निकल रहा था अभी नंगू एकदम कार्तिक पहलवान। तो चलते हैं भाई अपना सीधा जिम पे, अब सामान मैंने सारा रख लिया बैग में, जैसे चाबी वगैरह थैलों की, निकल जा रहा हूँ मैं वरना गुस्सा ही रहेगा अंदर। चलो यार चलते हैं सीधा अब जिम पर, दिखाओ दिखाओ दिखा दो, चल रहने दे।
भाई हम तो जिम पे आते लग गए काम पे। टंकी भरने के लिए आया हुआ हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ वैसा जुगाड़ किया हुआ अलग तरीके का, क्योंकि चाचा की टंकी भी रखी है अपनी भी रखी है, तो क्या होता है जब ये ओवरफ्लो होती है ना तो पानी नीचे जाता है, चाचा नीचे रहते हैं तो सारे में कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं मिट्टी में, ये गाय वगैरह बंधी रही है देखो गऊ माता, क्योंकि हमारे चाचा हैं छोटे वाले मतलब बाबा हर गाय के बहुत बड़े वो क्या कहते हैं अरे जो उनका करते हैं गाय का सब कुछ काम वगैरह, तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। देखो ये भी गाय गऊ माता ये तो देख भी दिया कर लो दर्शन। हाँ तो अब ऊपर आया हूँ टंकी भर रही है और अपना एक एसी भी करना है मुझे, ये यूनिट जो आउटडोर यूनिट इसकी भी सही करनी है, इसके नीचे ईट ऐसे ऐसे लगा रखे हैं अपने हिसाब से करता हूँ ज़रा, आते हैं अभी फिर पहले इसका जुगाड़ कर दूँ सही से। देख लो हमसे कौन मिलना आया आज इतने दिन बाद, भैया मिल गई फुर्सत तुझे? सारे भाइयों को राम राम। हाँ बच्चे ये करो वालो भाई साहब एक्टिंग करने में एक नंबर का उस्ताद है आदमी है, सारे भाई मैं राम। तो नहीं चाहता हूँ सारे भाई खुश रहे दिल खुश रहे जी बॉडी बनाओ अजीब बॉडी बनाओ ना अपनी बने ना बने दूसरे की बॉडी बननी चाहिए। ये वो आदमी है जो दो हफ्ते में तीन हफ्ते में जिम की तरफ को आ जाएंगे एक आध सेट मार देंगे मिक्स मार लेंगे फिर गायब हो जाएंगे। भाई मैं न्यू नहीं चाहता, मैं अपने भाई की बहुत इज्जत करता हूँ और मेरा तकड़ा शरीर बन गया तो इज्जत करनी कम होगी बहन चो ना गाली अब मैं तो सब डालू अब दे तू गाली जितनी दे माँ तो, बहन चाचा चाची फूफा इनके मुंह पे मैं वैसे कुछ भी कहता सही पर इज्जत जो है वो है शर्म जो है। अच्छा तो मैं अपने शर्म में जो है ना वो शरीर में भी ना अच्छा शरीर में शरीर में भी रखना चाहता हूँ कि शरीर इंचू तगड़ा ना बने मेरा। देख लो आज का पंपर नहीं देख लो अभी 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 वो लगाया पंचर वाला पंपर रहता उसी से हवा भरी है देखो एकदम से पक्चौदी के फार्म भरवा लो इन पे बस और कुछ ना करें है ना। आ रहा हूँ भाई मैं सही लेन पर। और बता ये बता तू चल एक देख तेरे से जेन्युइन आंसर पूछता हूँ कैसे रहे दर्शन नीम करोली वाले बाबा भाई के? बाबा के दर्शन मैं यूं कह रहा हूँ मुझे उम्मीद नहीं और ऐसे दिन पे बुलाया ना ऐसे दिन पे बुलाए बाबा ने अपने ऐसे दिन पे जहाँ बाबा का सबसे बड़ा दिन होता है साल का 15 तारीख को स्थापना दिवस नीम करोली बाबा की स्थापना दिवस भाई पता नहीं कि हम अरे जिम के बाहर ही तो खड़ा था मेरे ख्याल से कहाँ था घर था पापा को कहाँ मिला तू वहीं मिला। अच्छा अच्छा ताऊ हाँ खेत खेत पे कह रहा हूँ आज भी खेत यार जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है जमीन से जुड़ा हुआ पूरा पूरा आदमी है तो जमीन में निपटने को तैयार हूँ करके दिखे एक बार अरे अंदर कपड़े गंदे हो जाएंगे आइटम है ये रगड़ भी देगा। हाँ फिर बता फिर इतने बड़े दर्शन और इतनी तगड़ी भीड़ लगी पड़ी हाँ। कि अगर जो उस भीड़ हम अगर सुबह को पहुंचते ना उस भीड़ देख कर हम इतने चूती आदमी थे हम वहीं से उल्टे भाग जाते हाँ। कि बाबा अगली बार बुला लिया इतनी बताइए बहुत चूती आदमी है इसलिए बिल्कुल टाइम पे रात को 11:30-12 बजे लेके बाबा ने कहा कमरे था मैं दिवाऊंगा नहीं गेट पे बैठो रोड पे सो गेट पे सो बाबा की आरती भी देगी थोड़ी बहुत और अपने गेट पे रही है पर बगैर नहाए गए जी हम थोड़ी सी गलती होगी हमसे गलती ना होती हो तो बुलाने का बुला तो फिर भी तो बाबा नहीं है। अच्छा ये बता लाइन कितनी लंबी है? लाइन कम से कम 7-8 किलोमीटर की जब हम गए ना पहाड़ हाँ। शॉर्टकट मार गए पहाड़न पर चढ़ चढ़ के। अच्छा हाँ जब उल्टे गए ना पहाड़न पर चढ़ चढ़ के गए तो हमने जब दूर से लाइन देखी लास्ट लाइन देखी जब हमने कम से कम आध घंटा बाद लाइन हाथ आई हमें एंड उसका और जब भी लगती जा रही भाई साहब जब हम गए थे मैं कपिल जो भाई दोस्त उसके ना भाई हाँ। जो हमने वहाँ बूजी का आई उससे पुलिस वाले मतलब उनसे कर्मचारी कि कितना ट्रैफिक है कितना कम नहीं कम से कम 8 लाख पब्लिक आने की संभावना है और 8 लाख भाई एक दिन का मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखो अगर वीडियो में दिख रहे हैं देखिए देख दे रोंगटे देख ऐसी बताई भाई सब और देखो प्रसाद भी खाया बाबा का प्रसाद भी मिला। अरे प्रसाद की कहानी सुन ले मुझे प्रसाद मिला तो द्वार ना वो हाँ बाबा का जो एंट्री होगा जिससे ब्रिज है नीचे से नदी जा रही है हाँ हाँ जा मैं वहाँ खड़ा है हाँ। फोटो खींच रहा है भाई के दोस्तों का। अरे सुन तो सही हमने तो वहीं से दर्शन करे तब तो इतनी भीड़ नहीं हाँ। भाई दोस्त के जो दोस्त गए थे उन्होंने प्रसाद पकड़ा हुआ तो मैं ऐसा करके फोटो खींच रहा सेम यही वाली पोजिशन में ठीक बंदर आए नीब करो ले बाबा के अवतार भैया बजरंग बली तो भक्त थे ही वो बजरंग बली जी के ठीक आए आधा प्रसाद लेकर भाग गए पर अब वीडियो भी ना बनन दे रहे हैं अब जो हम गए अच्छा जी ना फोन ना लगड़ा ना फोन तो अंदर अभी अलाउड ना मैं तो वहाँ की बात कर रहा हूँ पुल है वो अच्छा, जो नीचे से नदी जा रही है जिसमें उसकी बात कर रहा हूँ अंदर तो कैमरा अलाउड ही ना है जेब में एक रुपया भी ना है भैया जब यहाँ से लिखड़ा घर से मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊंगा कैसे पहुंचेंगे हाँ जेब में एक रुपया भी नहीं है अरे फोन करता गया जिसपे फोन कर रहा हूँ वही रुपया भेज रहा क्या आज हम देंगे ना ना बंद करो भैया रुपया दे
उसी ने यूं नहीं किया कि उस पर रुपया ना चाहिए एक ने कहे जिस पे मेरे रुपया है उसने ही मना करी है जिस पे मेरे रुपया है उसने मना करी है उस पे दो तीन बार फोन करने पड़े पर वाने भेज दिए। अच्छा उसने भेज दिए उसने आधे भेज दिए आधे जब भी मन के भैया आज भेज दे मैं जब फसा पड़ा हूं इमरजेंसी थोड़ी सी। और देखो अय्याशी करने को कहीं और भी जा रहे हो पर बावन न्यू का दिक कोई अय्याशी नहीं होगी अब सीधा घर जाओ। मतलब आधे रास्ते आदमी आदमी इतना आदमी इतना सच बोल सकता है इसके चक्कर में मैं वीडियो भी रोक सकता है ये सोचता ना क्या बोलेगा क्या ना बोलेगा तुम कह रहा अय्याशी करने जा रहे मतलब दर्शन करने के बाद फिर छोड़े दूसरी जगह लिखो घनी बात बताई नहीं जाएगी। अरे बहुत गंदा आदमी यार तू तो कसम से ये बात तो इसलिए मुझे भी अभी बताई है नहीं तो मैं ब्लॉग ही शुरू ना करता। उस रास्ते में पहुंच गए कम से कम जहाँ बॉर्डर भी पार कर दिया उस तब कम से कम 70-80 किलोमीटर पहुंच गए और फिर वहां से गाड़ी मोड़ी मन की अब नहीं जा रहे। बहुत बढ़िया चलो बुद्धि तो दी भगवान ने थोड़ी सी इनमें उल्टे मुड़ गए नीम करौली वाले बाबा में तो पावर है भाई देख मैं तो मानता हूँ मैं तो अंधा भक्त हूँ उनका मैं तो बहुत पहले देख चुका है एग्जांपल बहुत पहले भैया मेरे अब बाबा ने बहुत सुधार दियो मैं सुधार कर रहे मतलब अबे सुधार रहे मैं तो खुद मैं तो चाहता नहीं सुधरना है ना मैं बहुत सुधार रहा थोड़ा सा अभी तो मैं बता ना सकता व्लॉग में तो अभी तो कहानी बता रहा सुधरने वाली आइटम है ये आइटम भाई एक नंबर का आइटम आदमी है इन्हें मैं इस बात भी बताऊंगा कि हम कहां जा रहे थे और क्या करने जा रहे थे तो बता मैं डालूं व्लॉग में फिर ना ना उसे व्लॉग में नहीं भाई उसमें भाई भाई देख हो सका घर से बेदखल कर दिया जाओ अगले दिन है अगले दिन आ जा रहा हूं बच्चा तू आ जा तुझे मैं बताऊंगी आ जा तुझे मैं फाड़ूंगी बीच में से सही है वो बात नहीं बताई जाएगी थोड़ी पर्सनल होती है क्या है फोन पे बात कर अभी तक तो फोन पे बात कर रहा बकवास कर रहा चल एक ये लोंडिया बाजिन में पैर पड़ा रहे आइटम अल्लाह जा यहीं खड़ो मार के दिखा तू दे देख अबे कितना हरामी ओए ते पीछे चुप अबे पीछे चुप गया भाई अबे कितना कुत्ता आदमी है अबे मेरे को लगा तू मेरा आग आएगा इसलिए होता है बचाने के लिए तो होते चलो अबे कितना कुत्ता आदमी है यार तू कसम से रे दे 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 भाबड़ जाएंगे एकदम रहने दे थैंक यू तो हेलो गाइस अगेन जिम बढ़ा दिया अपना और अब चल दिया साफ़ सफाई कर दिया आज बुलेट गांव में छोड़ दी थी हनी के साथ आ गया था हनी बोल रहा था मैं लेने आ जाऊंगा अब वो थोड़ा सा बिजी हो गया काम में दुकान के काम में तो हम चल दिए बैग टांग के हाथ में झोला लेके गांव वैसे तो 2 मिनट लगती हैं बाइक से तो बट अब 10-15 मिनट लग जाएंगी पैदल पैदल जाने में क्योंकि घूम के जाना पड़ेगा थोड़ा सा बट कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो मेरा ऑलरेडी इतना चलना फिरना हो जाता है अब थोड़ा सा और सही कोई दिक्कत नहीं है मैनेज हो जाएगा। ये प्रियम भारक भाई का देख लो गियर जीनी ठीक है भाई किसी को गाड़ी वाड़ी सही करवानी हो मैकेनिकल वर्क करवाना हो तो आ जाओ भैया के यहाँ पे भाई गाड़ी वाड़ी सही करवा देगा कम रेट में। विकास शर्मा नाम दे देना कूपन कोड लग जाएगा ठीक है भाई। देखो रूम वूम बन रहे हैं भाई साहब किराए के लिए सबका यहाँ पे तो रेंट का सिस्टम बढ़िया बैठा हुआ है 2,60,000 रुपये 1,90,000 रुपये ऐसे ऐसे बट हाँ अंदर की साइड यहाँ तो कम है अंदर है ना अंदर एरिया पड़ रहा है मैं मेन रोड के बता रहा हूँ मेन रोड के पैदल चलते चलते पहुँच लिए घर माता बोली है हैं काम अगर करने लगोगे तो फिर ये लगे कि काम हो जाएगा। चाची पूरी सेवा पानी में लग रही है मेरी वो भाई साहब चाची ने मेरा वजन बढ़ा दिया आदमी चाची तू ला यकीन न मानोगी मेरा 3 किलो वजन बढ़ गया बताऊं कैसे एक तो नींद पूरी हो जा रही है और टाइम पर खाने को मिल रहा अब देखना वजन क्यों ना बढ़ेगा एक तरफ आम रख रखे हैं रोटी सब्जी आ गई सलाद आ गई देख रहा भाई माँ के बाद चाची और मौसी रहे मैं जिंदगी में है चाची ओए रोटी चाची रोटी पूछ रही है एक रोटी कह रहा चलो अभी खाना खा लूं पहले मैं जल्दी।